नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। फाइनली Realme ने Realme X7 Max 5G डिवाइस में UI 3.0 का जो ओपन बीटा अपडेट है अब वो दोस्तों ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। आज इसी UI 3.0 के न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके पास Realme का X7 Max 5G डिवाइस है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, जहां पर भैया आपको ना इस न्यू अपडेट के रिगार्डिंग A to Z इंफॉर्मेशन ऑफिशियली मिलने वाली है। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, हमें जल्द से जल्द 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है, जिसके लिए दोस्तों आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो यार एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना और याद से बेल आइकन को दबा देना। फाइनली अगर बात की जाए UI 3.0 के न्यू अपडेट के बारे में, और हम आपको बता दें X7 Max 5G डिवाइस में ना जिन जिन यूजर्स को ऑलरेडी UI 3.0 के अर्ली एक्सेस के फर्स्ट बैच या फिर सेकंड बैच में ट्रायल अपडेट मिल चुका है ना, उन सभी यूजर्स को यहां पर दोस्तों न्यू अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन इस बार C.05 का देखने को मिलता है। इसी के साथ इस अपडेट का एक्चुअल OTA साइज 355 MB का देखने को मिल जाता है। लेकिन हम आपको बता दें जिन जिन यूजर्स ने रिसेंटली UI 3.0 के ओपन बीटा एप्लीकेशन में फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट किया है ना, और जिनका फॉर्म फाइनली अप्रूव हो चुका है, उन सभी यूजर्स को यहां पर दोस्तों ओपन बीटा अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन ना सेम टू सेम देखने को मिल जाता है C.05, लेकिन जो साइज है ना वो डिफरेंट देखने को मिलता है, I mean 5.01 GB का, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन आपके डिवाइस में फर्स्ट टाइम यहां पर Android 10 एंड UI 3.0 का अपडेट मिला है ना, तो साइज भी बड़ा ही देखने को मिलने वाला है। तो गाइज अगर आपके Realme X7 Max 5G डिवाइस में इन दोनों ही अपडेट में से कोई एक अपडेट ऑफिशियली मिल चुका है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और बात करें इस न्यू अपडेट के चेंज लॉक के बारे में ना, तो यार देखो गाइज हम आपको बता दें इस अपडेट के साथ UI 3.0 का जो ऑफिशियल फीचर लॉक है ना A to Z, वो आपको अगेन देखने को मिल जाता है। हालांकि X7 Max 5G डिवाइस में UI 3.0 का जो अपडेट है ना वो दोस्तों फाइनली ट्रायल वर्जन से अपग्रेड हो चुका है बीटा वर्जन में। अब आपको बीटा वर्जन में ज्यादा बग्स एंड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है, तो जाहिर सी बात है हमें जो बैटरी बैकअप है ना वो और ज्यादा ऑप्टिमाइज देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है ना वो और ज्यादा स्टेबल हो चुका है, यानी कि किसी भी टाइप के एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग का जो स्पीड है ना वो थोड़ा सा स्लाइटली हमें लगता है कि फास्ट हो चुका है। और डिवाइस में बैक टू बैक मल्टीटास्किंग करते समय अभी ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। बात करें गेमिंग सेक्शन के बारे में ना, तो यहाँ पर भी दोस्तों सभी चीजें एकदम स्टेबल है, और जो जायरोस्कोप है ना वो भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, लैग ना के बराबर है। और हमें लगता है कि ये वाला जो अपडेट है ना वो दोस्तों अब तक का बेस्ट अपडेट है फॉर गेमिंग सेक्शन के लिए। बाकी अगर आपको ना C.05 न्यू अपडेट में कोई प्रॉब्लम एंड इश्यू देखने को मिला है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते एक लाइक जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाओ एंड ज्वाइन कर लो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑलवेज बी स्माइल।